स्वागत है ब्रेक के बाद। अब उत्तराखंड के 13 जिलों की खबरें। हल्द्वानी के दौरे पर रहे श्रम मंत्री हरिश्चंद्र दुर्गापाल ने मुख्यमंत्री रावत की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि राज्य में विकास कार्य जोरों से चल रहे हैं। देहरादून में आरएसएस के प्रांति कार्यालय में बीएचपी नेता अशोक सिंघल को श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें आरएसएस, बीएचपी और बीजेपी से जुड़े लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देहरादून में चल रहे विकास कार्यों के मद्देनजर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल ने सभी विभागों के अधिकारियों से निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्रों के माध्यम से सामाजिक कार्यों को गति देने का काम किया है, ऐसी एक बैठक का आयोजन देहरादून में किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को लागू करने के बाद अब खाद्य विभाग के सामने नई चुनौती निकलकर सामने आई है। राशन कार्डों को डिजिटल करने की जल्दबाजी में यहां पर कई सारी गलतियां की गई है। देहरादून शहर का नाम देशभर के स्मार्ट सिटी योजना में शामिल होने के बाद से ही बैठकों का दौर लगातार जारी है। हरिद्वार कुंभ को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो पुलिस अधिकारियों का जल्द ही ट्रैफिक प्लान भी यहां लागू हो जाएगा। उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री यशपाल आर्य ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक की काशीपुर शाखा का उद्घाटन किया। दूर में हैदराबाद से आए युवक के पास फर्जी पासपोर्ट के जरिए दुबई भेजे जाने का खुलासा हुआ है। पुलिस ने शक के आधार पर ब्रह्मानंद रेड्डी को हिरासत में ले लिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार को विकास से कोई लेना देना नहीं है। भगवान केदारनाथ धाम के कपाट बंद होते ही शीतकालीन यात्रा भी शुरू हो गई है। बाबा केदारनाथ के दर्शन शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर में किए जा सकते हैं। राज्य के सभी जनपदों में गुरुवार से लोगों को 20 रुपए में भरपेट और साफ सुथरा भोजन मिलेगा और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना आज से शुरू हो रही है। एमबीबीए दफ्तर के अंदर बैठकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और यहां पर बीजेपी के जनप्रतिनिधियों के इलाकों की अनदेखी का आरोप लगाया। मुख्य प्रधान सचिव मुख्यमंत्री बनने के बाद राकेश शर्मा ने पत्रकार मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पत्रकारों के साथ अपने अनुभव साझा किए। खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिलने से भड़के रविंद्रनगर के लोग सफेद राशन कार्ड बनवाने की मांग को लेकर रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। लालकुआ में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री प्रकाश पंत ने राज्य सरकार पर स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून में 2500 एकड़ चाय के बागान की जमीन को खुर्द बुर्द करने का आरोप लगाया है। फ्रांस में हुए आतंकी हमले के दून में भी देश की चौकसी यहां पर बढ़ती गई है और इंतजामों का पुलिस यहां पर दावा कर। रुद्रपुर में विश्व शौचालय दिवस पर विकास भवन के मुख्य विकास अधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने जागरूकता रैली को यहां हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देहरादून में पूछताछ के नाम पर युवक को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि पिटाई की वजह से युवक के कान से लगातार खून बह रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति नवंबर के अंतिम सप्ताह तक हो सकती है या फिर दिसंबर के पहले हफ्ते में। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत के अनुसार प्रदेश के ज्यादातर चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कुमाऊं विश्वविद्यालय का ग्रेड तय करने वाली नैक की टीम जांच के लिए विश्वविद्यालय गई। टीम को विश्वविद्यालय प्रबंधन की तरफ से एनसीसी कैडेट्स ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राज्य मानव अधिकार आयोग की टीम ने पिथौरागढ़ पहुंचकर कई शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया। मुख्यमंत्री पौड़ी के दो दिन के प्रवास पर हैं। इस दौरान सीएम ने पौड़ी शरदोत्सव का उद्घाटन किया। स्कूली बच्चों की मार्च की सलामी। छात्रों में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रति जागरूकता बढ़ाने और राज्य भर में चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बड़े पर्दे की पहाड़ी फिल्म गोपी भीना की शूटिंग इन दिनों सोरघाटी पिथौरागढ़ में चल रही है। इस फिल्म में हेमंत पांडे के साथ हिमानी शिवपुरी जैसे चर्चित कलाकार भी नजर आएंगे।